नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। डीएलएड एंड बैंक प्रशिक्षकों को प्रमोट करो, जहां पर आज आपको बता दें कि राजधानी के धरना स्थल पर पिछले चार दिनों से ये सभी शिक्षक धरना दे रहे हैं प्रमोशन को लेकर। जहां उन्होंने कहा कि प्रमोट करने की बात की गई, वहीं इनका आरोप भी है कि अभी तक जिनका बैक लगा हुआ था उनको प्रमोट नहीं किया गया। ये जानते हैं कि आखिर क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आज सभी ये शिक्षक धरने पर बैठे हैं, और आखिर कब तक धरने पर बैठे रहेंगे, क्या मांगे हैं, आखिर शिक्षा विभाग से किस तरह की वार्ता हुई, अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर प्रमुख मांगे थे, आखिर क्या मांगे हैं जिसको लेकर धरने पर बैठे। हम लोगों की मांगे हैं जो डीएलएड के 17 बैच और 18 बैच के बैक प्रशिक्षु हैं, उनको सरकार उनके साथ भेदभाव करके उनको प्रमोट नहीं किया गया है। और भेदभाव ऐसा हुआ है कि कोरोना वायरस जैसे वैश्विक में हमारी चल रही है, जिससे हमारी परीक्षाएं लेट हो चुकी हैं, तो जो हमारे पास अभ्यर्थी थे उनको प्रमोट कर दिया गया, और जो एक दो सब्जेक्ट में जिनका बैक है उनको प्रमोट नहीं किया गया, उनके साथ सरासर अन्याय किया गया है। जबकि यूजीसी की गाइडलाइन में ये नियम है कि अगर कोई बच्चा एक या दो सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको अगले कक्षे में कछोड़ना दिया जाना चाहिए। ये बताइए, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई आप लोगों की? जी नहीं। क्या लिखा आपने? डीले 2018 जी प्रमोट की मांग है। नहीं हुए तो कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक नहीं देंगे, जब तक हम लोगों को प्रमोट नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, भले ही जान क्यों ना चली जाए। जिसका इसका बैक लग गया उनको प्रमोट नहीं किया गया? नहीं किया गया उनको प्रमोट नहीं किया गया। हमें प्रमोट चाहिए, प्रमोट सबको प्रमोट किया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं किया जा रहा है? सारे शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर, इनसे जानते हैं कि आखिर कब तक ये धरने पर बैठने वाले हैं। जी मैं आपके माध्यम से सचिव, पीएनपी सचिव, शिक्षा निदेशक केसीआरटी महोदय से कहना चाहूँगा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम इस इको गार्डन में आमरण अनशन करते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी। ये बताइए, आखिर पिछले चार दिन बीत गए, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, आपकी बात सुनी या किसी तरह के वार्ता का आश्वासन दिया? हमारे पास केवल एक लोग आ रहे हैं और हमें लेकर एससीआरटी लेकर जा रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल को वहाँ पे संतुष्ट करना चाहते हैं कि आपकी बातें मान ली जाएंगी, आप धरना खत्म कर दीजिए। लेकिन हमने भी ठाना है कि जब तक लिखित तौर पे जीओ जारी नहीं होगा हम ही किसी को गार्डन को नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सर अगर हमारे साथ गलत नहीं होता, कितने साथी अपनी मांग अन्याय के खिलाफ आने हैं? कुल कितने लोग हैं? कितने हैं? 95,000 प्रशिक्षुओं के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। वे साथी जिनको प्रशासनिक और संविधान में लिखा हुआ है कि एक जुर्म का एक सजा, लेकिन पीएनपी सचिव जी के द्वारा एक जुर्म का हमें जब तक बीटीसी है तब तक कलंक लगा रहे हैं, तब तक सजा देने का काम कर रहे हैं। हम यह कहना चाहेंगे कि एक बार जब सजा हमें मिल चुकी है तो हमें दोबारा सजा नहीं, हमें न्याय दीजिए, हमें प्रमोट करिए, हम अपने घर जाएं, आगामी परीक्षा की भर्ती की तैयारी करें, अपने बीटीसी की तैयारी करें, और हम बेसिक शिक्षा विभाग में जुड़कर इस देश का निर्माण करेंगे, एक योग्य देश बनाएंगे और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। अभी महिलाएं हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर ये महिलाएं कहां कहां से आई हुई हैं और कब तक बैठने वाली अपने घर परिवार को छोड़कर, और प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह की वार्ता उनसे कर रहे कि नहीं कर रहे। ये बताइए कब तक बैठने वाले हैं, क्या मांग है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ अनिश्चित समय तक बैठे रहेंगे। तो ये बताइए कहाँ से हैं आप? हम मेरठ जिले से हैं। सब लोग अलग अलग जिले से हैं, आप लोग कहाँ से हैं? चौबेपुर से। चौबेपुर कहाँ पड़ता है? आप किस जिले से हैं? लखनऊ। लखनऊ से। ज्यादातर लोग लखनऊ के हैं या बाहर के हैं? मेरठ के। मेरठ है, मेरठ है। अपना घर परिवार छोड़कर बैठे रहेंगे अदर? हाँ बिल्कुल, तो बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। जब तक प्रमोट नहीं मिलेगा तो बैठे ही रहेंगे। शिक्षा मंत्री से किसी तरह की कोई वार्ता हुई आप लोगों की? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई। तो
क्या जब तक वार्ता होगी ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जियो चाहिए। हाँ, तो जहाँ देख रहे होंगे एक एक शिक्षक ये भी हैं जो बेचारे थोड़ा सा असहाय भी हैं, लेकिन फिर भी धरने पर बैठे हैं। और जिस तरह से सरकार पर विश्वास जताया था, सरकार के शिक्षा मंत्री अभी तक इनसे वार्ता तक नहीं कर रहे हैं। जी हाँ सर, मैं औरैया जिला से हूँ, लेकिन मैं ये इस वजह से आया हूँ कि सर ये सभी डीएलएड बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जाए, और नहीं तो यहाँ हम सर हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कि हमारे प्राण नहीं निकल जाते, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मिल नहीं रहे क्या उनसे? नहीं मिल रहे हैं सर, आश्वासन मिल रहा है, वहाँ से कोई एक प्रतिनिधि आ जा रहा है, बस आश्वासन दे करके सर चला जा रहा है। कोई सर लिखित जियो कोई जारी नहीं किया जा रहा है, जब तक लिखित जियो जारी नहीं होगा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, चाहे यहाँ प्राण क्यों ना निकल जाए। ठीक है, देख रहे होंगे कि ये शिक्षक जो है छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं अपने धरने पर, क्योंकि घर परिवार से काफी दूर आए हैं। ये किनके बच्चे हैं बेटा? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? काव्य शर्मा। यहाँ क्यों आई हो घर? यहाँ क्यों आई हो? कहाँ है मम्मी? मम्मी कहाँ है? ये आपकी बेटी है? हाँ। तो घर परिवार से बच्चों को लेकर कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ, और हम ये समझ लो बच्चों को लेके यहाँ आए हुए हैं। ना यहाँ किसी चीज की भी व्यवस्था नहीं है, ना दूध की है, ना पानी की है, प्रशासन बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहा है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम बच्चों को लेके इसी तरह आमरण अनशन करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी बहनें बीमार हो रही हैं, हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, हम भी बीमार हो रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए ना ये कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, उनको खुद सोचना चाहिए कितनी दूर। तो देख रहे होंगे कि किस तरह से ये सभी शिक्षक थे जिन्होंने अपनी मांगों को रखा। इनका कहना है कि जब तक इनका पुनर्वास नहीं होगा, या जब तक ठोस आश्वासन या किसी तरह का जियो नहीं पास होगा, तब तक ये अमर अनशन पर बैठे रहेंगे। ब्रिटिश आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।